दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग संस्थान में हाल ही में हुए हादसे के दृष्टिगत नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में स्थित कोचिंग संस्थानों पर सख्ती दिखाई है। महापौर अचानक दोपहर 1 बजे सबसे पहले गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग संस्थान गुरुकृपा पहुंची। महापौर ने वहां उपस्थित छात्र छात्राओं के साथ सुरक्षा मानकों को लेकर संवाद किया तथा कोचिंग संचालकों से कोचिंग के सुरक्षा मानकों के बारे में पूछताछ की। महापौर कक्षाओं में क्षमता से भी अधिक बच्चों को देखकर दंग रह गई। उन्होंने कोचिंग संचालकों को सख्ती के साथ कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापौर ने बच्चों को नगर निगम ग्रेटर के टोल फ्री नंबर भी दिए और कहा कि किसी भी प्रकार के सुरक्षा मापदंडों में कमी पाई गई तो नगर निगम ग्रेटर के हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दिन भर अभी सारे सभी जोन वाइज हमारे जितने कोचिंग संस्थान लाइब्रेरीज है सबका इसी तरह औचक निरीक्षण हो रहा है। ये तो मैं अभी आ रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या कार्रवाई में सही में मापदंड है या नहीं है। यहाँ मैं चेक करने के लिए नहीं आई हूँ। चेक करने के लिए मेरे नगर निगम के अधिकारी एक टीम बनी हुई है, वो आई है। यहाँ मैं सिर्फ बच्चों से संवाद करने के लिए आई थी, उनको बताने आई थी, उनको जागरूक करने के लिए आई थी। राजेंद्र नगर की घटना के बारे में जानकारी देते हुए मैंने बच्चों को कहा कि आपके अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि निगम के अंदर इस तरह के संस्थान या कोचिंग चल रही है तो उनकी शिकायत आप निगम में करिए, निगम कार्रवाई करेगा। क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ में, बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्ची रोने भी लग गई, वो बच्ची काफी भावुक हो गई थी। उसको उसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, कुछ बनने के लिए भेजा, और राजेंद्र नगर की उसको घटना याद आ गई कि जो आईएएस बनने वाले थे उनको समय से पहले, हमारे देश के मेधावी बच्चे, उन्होंने समय से पहले, हमने उनको खो दिया और किसी की लापरवाही की वजह से। तो हमारे जयपुर में ऐसी कोई घटना नहीं हो। महापौर ने बच्चों और उनके माता पिता से भी अपील की है कि वे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेने से पहले उनके सुरक्षा मापदंडों की भी जांच करें और उसके बाद ही बच्चों को एडमिशन दिलवाए। महापौर ने बताया कि कोचिंग संचालकों को कोचिंग संस्थानों के बाहर चेकलिस्ट के माध्यम से बताना होगा कि उनके यहाँ सभी सुरक्षा मापदंडों व बिल्डिंग बॉयलर्स का पालन किया जा रहा है या नहीं। नगर निगम द्वारा सभी कोचिंग संस्थाओं, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और आगामी दिनों में अभियान चलाकर जांच की जाएगी। इसके लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। इसके अंतर्गत मुख्यालय उपायुक्त, उपायुक्त फायर, उपायुक्त आयोजना, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, संबंधित जोन उपायुक्त की टीम इसमें गठित की गई है। यह टीम जयपुर ग्रेटर क्षेत्राधिकार में संचालित समस्त कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी आदि के संचालकों के नाम व नंबर सहित सूचीबद्ध करेगी और यह समिति इन संस्थाओं के डिजास्टर मैनेजमेंट का परीक्षण करेगी। इसके साथ ही आपात स्थिति में भीड़ के निकलने के एग्जिट गेट, ऑटोलॉक सिस्टम, भवन निर्माण बॉयलर्स, फायर एनओसी, स्मोक डिटेक्टर सहित अन्य सुरक्षाओं पर भी मापदंडों का परीक्षण करेगी। कोचिंग संस्थानों के बाहर भी लिखना आवश्यक होगा कि वहाँ फायर की परमिशन है या नहीं है। जहाँ फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग जितनी संख्या के साथ में फायर सेफ्टी उपकरण होने चाहिए उसके बाहर ऐसे संस्थानों के अंदर लिखना आवश्यक हो जाएगा। इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन और इस तरह के एग्जिट द्वार, सुरक्षा मापदंड पूरे है या नहीं है, एक तरह की चेकलिस्ट हम अब देंगे जिस चेकलिस्ट को उनको बाहर लगाना आवश्यक होगा। जो भी बच्चा एडमिशन के लिए आएगा उसको पता होना चाहिए कि यहाँ किस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, वहाँ उनकी सुरक्षा के इंतजाम पूरे है या नहीं है। बच्चों से भी मैंने कहा कि आपके अभिभावक, आप नगर निगम के आप नंबर लीजिए, जो भी बिल्डिंग आपको लगता है कि सुरक्षा के इंतजाम जिसमें पूरे नहीं है या बिल्डिंग गिरने वाली है, जीर्ण शीर्ण है या किसी भी तरह की दुर्घटना जहां हो सकती है, ऐसी बिल्डिंग्स की आप शिकायत जो है, ऐसे संस्थानों की शिकायत नगर निगम में कीजिए, जिससे नगर निगम सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी को लेते हुए उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो कर सके। कोचिंग संस्थान कलाम एवं गुरुकृपा को भी सीज कर दिया गया है। नगर निगम ग्रेटर की 6 सदस्यीय टीम द्वारा मंगलवार को यानी कि कल किए गए निरीक्षण के दौरान गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग संस्थान कलाम की जांच की गई, जिसके तहत एक ही हॉल में
क्षमता से भी अधिक लगभग 800 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हुए पाए गए, जहां हवा रोशनी की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई। इसी के साथ आपातकालीन स्थिति में छात्र छात्राओं के विकास हेतु निकास हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए अग्रिम आदेशों तक कोचिंग संस्था को सीज कर दिया गया है। इसी के साथ कोचिंग संस्था गुरु कृपा की भी जांच की गई, जिसमें फायर एनओसी नहीं पाई गई तथा यूडी टैक्स भी जमा नहीं पाया गया। इसी के साथ सुरक्षा मापदंडों से संबंधित अन्य कमियां भी पाई गई, जिसके तहत गुरु कृपा कोचिंग संस्था को अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया गया है। कि राजेंद्र नगर की घटना है वो बेहद दुखद है, और उस घटना को ध्यान में रखते हुए हमने जयपुर के अंदर में नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र हैं उनमें संचालित कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, उन सब पर हमारी एक टीम का गठित कर दी गई है, जिसमें डीसी फायर, उपायुक्त मुख्यालय और जोन डीसीज और इन तकनीकी रूप से परीक्षण करने के लिए भी अधिकारी हैं साथ में, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा इंतजाम जहाँ नहीं हो उनकी उनको चेक भी करें, और जहाँ नहीं हो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और साथ ही भविष्य में इस तरह की कोई भी घटनाएं घटित कहीं भी नहीं हो, इसके लिए आम जन और विद्यार्थियों से भी निवेदन करती हूँ कि वो भी अगर इस तरह की घटना या इस तरह की कोई भी अनसेफ बिल्डिंग नज़र आती है जिसमें विद्यार्थी हो, जहाँ कोचिंग चल रही हो, तो इसकी शिकायत है वो भी नगर निगम में दीजिए, ताकि नगर निगम लगातार कार्रवाई इन पर शिकायतों पर कर रहे हैं और आगे भी करती रहेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए आज भी हमारी फील्ड के अंदर लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है।